हाय गाइस, आज हम 4 आसन करेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन अश्व संचालन आसन. तो इसे कैसे करेंगे का? आपके गुरु की राइट लेग आपकी थोड़ी सी आगे जाएगी और बेंड होगी और पीछे वाला लेग अभी आपका लॉक ही है. लेकिन जब आप आगे वेट डालोगे अपने राइट लेग पे, जब आप बेंड करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका लेफ्ट लेग है वो भी बेंड होगा. तो आपको क्या करना है, ये आपका टोज है, जो फ्रंट वाला पार्ट है वो टोज है और जो बैक वाला पार्ट है वो हील. तो आप कैसे करोगे, जब आपका राइट लेग आगे फ्लैट फुट है तो आपका लेफ्ट लेग टोज पे चला जाएगा. तो आप जैसे बेंड करते जा रहे हो, तो आपका जो नीज है वो मैट पे टच करेगा और जो आपका टोज है वो मैट पे रिलैक्स हो जाएगा. आपने ये किया, फर्स्ट पोस्चर तो आपका ये हुआ. देन सेकेंड, आपकी हैंड्स रिलैक्स है, राइट हैंड को आपको अपने नीचे मैट पे रखना है, लेफ्ट हैंड को भी आपको नीचे मैट पे रखना है. उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट शिफ्ट करना है. अभी हम मिडिल में, अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, वेट शिफ्ट करके अब हमें ऊपर की तरफ स्ट्रेच, मैक्सिमम स्ट्रेच. अब हम सेकेंड आसन करेंगे, अर्थ उष्ठासन. तो उसे कैसे करेंगे का? पहले तो आपको अपने फीट पे गैप रखना है, नॉर्मल 2-3 हैंड्स का. जैसे कि ये 2 हैंड्स का गैप है मेरे फीट पे. नाउ आपको क्या करना है, नीचे बैठना है, नीज पे बैठना है अपने. आप नीज पे बैठे अपने, अब आपका बम अप है. अब आपको क्या करना है, जो आपका राइट हैंड है आपको स्लोली पीछे लेके जाना है, मतलब जो आपकी हील है. जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रंट वाला पार्ट आपका टो है, बैक वाला हील. तो आपको अपने हैंड से हील को टच करना है और बैक स्ट्रेच करना है. तो अगर राइट हैंड आपका नीचे है तो लेफ्ट हैंड आपका अप है, बैक स्ट्रेच हो गया. कितना आप कर सकते हैं, ये चीज़ हम दूसरे साइड से भी कर सकते हैं. अभी आपका राइट हैंड फर्स्ट था ना, आप लेफ्ट हैंड को नीचे रख सकते हो, अपने हील्स के पास लगा सकते हो और आपका राइट हैंड ऊपर है. स्ट्रेच. थर्ड आसन करने जा रहे हैं, उष्ठासन. तो उसे कैसे करेंगे काम? आपको अपने फीट में बिल्कुल गैप नहीं रखना है, फीट टुगेदर है आपके, जिससे कि आप देख रहे हो. आपको नीज नीचे रखनी है अपनी, नीज नीचे गई तो जो आप टोज में हो उसको आपको रिलैक्स करके हील में शिफ्ट करना है. और जो फर्स्ट टाइम कर रहा है वो स्टार्टिंग के लिए टोज से स्टार्ट कर सकता है. तो अभी हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं. तो आप क्या करोगे, बोथ हैंड्स एक साथ में लेके जाओगे, सिंगल सिंगल हैंड लेके जाओगे. जैसे कि फर्स्ट आप लेके गए राइट हैंड, अब आप स्लोली लेके जाओगे लेफ्ट हैंड. लेकिन ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपके फीट टुगेदर है. फिर उसके बाद स्ट्रेच करेंगे और जैसे कि मैंने कहा, जो कर सकता है ये, उसे क्या करना है, अपने टोज को रिलैक्स करना है. तो फिर उसके बाद स्लोली अपना राइट हैंड पीछे लेके जाएगा, फिर स्लोली अपना लेफ्ट हैंड पीछे लेके जाएगा, फिर उसके बाद अपने बैक को स्ट्रेच करेगा. और ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपकी फीट टुगेदर है. स्ट्रेच.
का लास्ट आसन करेंगे फोर्थ आसन सुप्त वज्रासन। इसे कैसे करेंगे का? तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको मेक अ वी देन आउट स्मॉल वी देन आउट ऑलमोस्ट आपके डाउन में फीट में 1 2 3 4 हैंड्स का डिस्टेंस है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीज अपनी नीचे रखनी है मैट पे। फिर उसके बाद जो आपकी टोज है आपको टोज को रिलैक्स करना है, रिलैक्स करके मैट पे रखना है और जो गैप है उसमें आपको अपना बम फिट करना है, मतलब बम आपको नीचे रखना है। आपने नीचे रखा उसके बाद अपने आप अपने हैंड्स का यूज़ कर सकते हो। आपको अपने हैंड्स का यूज़ करते करते क्या करना है, हैंड्स को साइड में रखा, हैंड्स को साइड में रखा, नाउ बेंड, नाउ हेड को टच करेंगे मैट पे और आपकी हैंड्स रिलैक्स है। आप अपने हैंड्स को आगे अपने थाई पे रख सकते हो, जितना आप अपना हेड इन कर सकते हो उतना अच्छा है। और जो ये कर सकता है वो अपने हेड को लैट पे रखेगा और सामने रखेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।